हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमना अशरफ एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड एट होम। सो कम टू द टॉपिक, टुडेज़ टॉपिक इज एसे राइटिंग एंड आई हैव सेलेक्टेड अ टॉपिक फुटबॉल फॉर एसे। सो स्टूडेंट्स, 3 to 4 एसेज यू हैव ऑलरेडी डन। इससे पहले आप 3 से 4 एसेज कर चुके हैं। सो यू नो द क्राइटेरिया दैट हाउ टू राइट द एसे एज योर प्रीवियस टीचर एक्सप्लेन यू। सो I am going to make here one mind map. As you know that firstly we are making one mind map. हम पहले mind map बनाते हैं, then we are writing some outlines and we can set some key points. उन key points को फिर आप explain करते हैं essay में. So I am going to make here mind map for an essay football. In this mind map I am going to write some key points like what you are going to explain in your essay. आप फुटबॉल के बारे में, हम यहाँ पे की पॉइंट्स लिखेंगे, आउटलाइंस लिखेंगे, जिसके आप एसे में कौन कौन से पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज लाइक वॉट इज फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? इट इज़ अ गेम। सो आवर फर्स्ट पॉइंट विल बी गेम। यू विल एक्सप्लेन इन द एसे दैट फुटबॉल इज अ गेम। सेकेंड, योर लाइक और डिसलाइक, कि क्या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है या नहीं पसंद है। सो यू विल, आई हैव यूज वर्ड हियर लाइक और डिसलाइक। सो दिस पॉइंट यू विल एक्सप्लेन इन योर, वी विल एक्सप्लेन इन आवर एसे। यू कैन राइट दिस पॉइंट दैट यू लाइक दिस फुटबॉल और यू डिसलाइक। नेक्स्ट इज डू यू हैव फुटबॉल। डू यू हैव फुटबॉल, कि क्या आपके पास फुटबॉल है, और वी कैन से हाउ मैनी फुटबॉल्स यू हैव। आपके पास कितनी फुटबॉल्स हैं? हाउ मैनी फुटबॉल्स डू यू हैव। आवर थर्ड पॉइंट विल बी, इन थर्ड पॉइंट वी विल एक्सप्लेन, हम थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आपके पास फुटबॉल है, या आपके पास अगर है तो हाउ मैनी फुटबॉल्स डू यू हैव, आपके पास कितनी फुटबॉल्स हैं। दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट, दिस विल बी द सेकेंड पॉइंट, दिस विल बी थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज कलर, कलर ऑफ फुटबॉल। इफ़ यू हैव फुटबॉल, आपके पास अगर फुटबॉल है तो वो किस कलर की है। सो यू विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन योर एसे। दिस विल बी द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट विल बी बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मीन्स के फुटबॉल खेलने से आपको क्या फ़ायदे होते हैं। Why you play football? आप football क्यों खेलते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है उससे कोई ना कोई benefits होंगे। So our fifth point will be benefits. In fifth point you will explain that what is the benefit of playing football. आप ये explain करेंगे कि football खेलने के क्या क्या फ़ायदे हैं। So again I am going to tell you that this is a mind map of the football and these points you are going to write in your essay. आप इन points को अपने essay में लिखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज गेम, यू विल एक्सप्लेन इन द पॉइंट दैट वॉट इज अ फुटबॉल, फुटबॉल इज अ गेम। सेकेंड पॉइंट इज लाइक और डिसलाइक, क्या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है या नहीं पसंद है। सो यू दिस पॉइंट यू विल राइट। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यू विल डू यू हैव फुटबॉल, कि क्या आपके पास फुटबॉल है, और हाउ मैनी फुटबॉल्स डू यू हैव, आपके पास आपके घर में कितनी फुटबॉल्स हैं। सो दिस पॉइंट यू आर गोइंग टू राइट इन थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज कलर, वॉट इज द कलर ऑफ योर फुटबॉल, सो यू विल एक्सप्लेन इन द पॉइंट। आप अपने इस पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में बताएंगे कि आपके फुटबॉल का कौन सा कलर है। नंबर फाइव इज बेनिफिट्स, बेनिफिट्स के आप फुटबॉल खेलने से क्या फ़ायदे होते हैं, आप क्यों फुटबॉल खेलते हो। सो दीज फाइव पॉइंट्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन आवर एसे। सो कम टू द एसे। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट एसे लाइक दीज आर द की पॉइंट्स आई हैव रिटन हेयर विच आई हैव एक्सप्लेन यू इन माइंड मैप। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको माइंड मैप में बताए हैं कि दीज की पॉइंट्स वी आर गोइंग टू राइट इन आवर एसे। इन्हीं पॉइंट्स को हम एसे में लिखने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट वॉज गेम, वॉट यू आर गोइंग टू राइट, वॉट इज फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, फुटबॉल एक गेम है। सो आई एम राइटिंग हेयर फुटबॉल इज अ गेम। फुटबॉल क्या है, गेम है। सो इट इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज लाइक और डिसलाइक, क्या आपको फुटबॉल पसंद है। सो आई लाइक फुटबॉल, सो आई एम राइटिंग हेयर आई लाइक फुटबॉल।
कि मुझे फुटबॉल पसंद है, और यू कैन ऑल्सो से आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है. सो इट इज़ अवर सेकेंड पॉइंट. वॉट वॉज अवर थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट वॉज नंबर ऑफ फुटबॉल्स. लाइक डू यू हैव फुटबॉल इन एट योर होम एंड हाउ मेनी फुटबॉल्स डू यू हैव? लाइक आई हैव वन फुटबॉल, और फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू फुटबॉल्स, थ्री फुटबॉल्स, सो यू कैन राइट हेयर. आई एम राइटिंग हेयर आई हैव वन फुटबॉल. मेरे पास एक फुटबॉल है. सो इट इज़ योर थर्ड पॉइंट. कम टू द फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट वॉज कलर. सो वी आर गोइंग टू राइट हेयर द कलर ऑफ फुटबॉल. वट एवर द कलर ऑफ योर फुटबॉल इज, यू कैन राइट. आई एम राइटिंग हेयर माई फुटबॉल कलर इज रेड. मेरी फुटबॉल का कलर रेड है. सो यू कैन राइट हेयर एनी कलर, वट एवर योर फुटबॉल इज. आपके फुटबॉल का जो भी कलर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. इट इज़ फोर्थ पॉइंट. नाउ कम टू द लास्ट फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट वॉज बेनिफिट्स, कि आपको फुटबॉल खेलने से क्या फ़ायदा होता है. सो वॉट इज़ द बेनिफिट ऑफ फुटबॉल, ऑफ प्लेइंग फुटबॉल? फुटबॉल खेलने से वी स्टे एक्टिव एंड हेल्दी. हम क्या रहते हैं? हम हेल्दी रहते हैं और एक्टिव रहते हैं. सो अवर फिफ्थ पॉइंट आई एम राइटिंग हेयर, इट कीप्स अस फिट. फुटबॉल खेलने से फुटबॉल हमें क्या रखता है? फिट रखता है और हेल्दी रखता है. सो इट इज़ अवर फिफ्थ पॉइंट, इट कीप्स अस फिट. सो स्टूडेंट्स, वट एवर द पॉइंट्स आई हैव एक्सप्लेन इन माइंड मैप, जो जो की पॉइंट्स हमने माइंड मैप में मैंने आपको बताए, दीज पॉइंट्स आई हैव एक्सप्लेन हेयर इन योर इन एसे. लाइक दीज पॉइंट्स आई हैव यूज्ड इन एसे. इन्हीं पॉइंट्स को मैंने एसे में यूज़ किया है. इन्हीं पॉइंट्स को मैंने सेंटेंस बना के उसको एसे के फॉर्म में लिखा है. अगेन आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट पॉइंट इज फुटबॉल इज़ अ गेम. फुटबॉल एक गेम है. सेकेंड, आई लाइक फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद है. थ्री, आई हैव वन फुटबॉल. अब मेरे पास कितनी फुटबॉल है? मेरे पास एक फुटबॉल है. माई फुटबॉल कलर इज रेड. मेरी फुटबॉल का कलर रेड है. यू कैन राइट हेयर एनी कलर. फिफ्थ पॉइंट इज इट कीप्स अस फिट. ये हमें फिट रखता है, हमें हेल्दी रखता है और हमें एक्टिव रखता है. सो दीज आर द फाइव पॉइंट्स ऑफ एसे. दिस इज योर एसे. नाउ स्टूडेंट्स, वॉट इज योर वर्क? वॉट यू विल डू? यू विल डू दिस वर्क इन योर कॉपी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मैंशन द डेट. वॉट इज द डेट टूडे? टूडे इज फाइव. एंड यू विल मैंशन एसे राइटिंग और यू विल राइट द टॉपिक फुटबॉल. आपने क्या करना है? सबसे पहले अपनी कॉपीज पर डेट डालनी है. आपने ऊपर हेडिंग लिखनी है एसे फुटबॉल. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर लाइक दिस. आप इस तरह की पिक्चर बना सकते हैं, फुटबॉल बना सकते हैं. यू कैन कलर इट एंड देन यू हैव टू राइट दीज ऑल फाइव पॉइंट्स इन योर कॉपी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर वर्क. यू हैव टू कम्प्लीट योर वर्क. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. इफ यू डिडेंट गेट एनी पॉइंट, सो गो टू द वीडियो, अगेन वॉच द वीडियो. थैंक यू सो मच. गुड बाय. अल्लाह हाफिज़.